जरा बैठ जाएंगे तो सर इजी हो जाएगा। अच्छा तो आपने कास्ट की फैक्टर्स वगैरह आपको पता चल गया कि क्या क्या कास्ट की फैक्टर्स हैं, उसके बाद ट्राइब्स का आपको पता चल गया, ये सारी चीज़ें आप लैंडस्लाइड्स की। अब हम स्पेसिफिकली इस केस स्टडी के ऊपर आ जाते हैं कि ये केस स्टडी आपके सामने है, तो सबसे पहले आप मुझे बात बताएं आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या कौन सी टाइप में ये आ जाएगी। देखें ना सबसे पहले तो आप ये देखें कि मटेरियल कौन सा, आप स्लाइड भी करें आप सबसे पहले मटेरियल मुझे बताएंगे, ये आपको रॉक मटेरियल नजर आ रहा है या और कोई मटेरियल? रॉक नहीं है सर, ले ले साइल इसको हम नहीं कहेंगे, डेब्रिस। एक तो आपको पता चल गया किसी भी जगह आप जाएंगे सबसे पहली चीज़ जो आपने ये देखनी है कि वहाँ पे डोमिनेंट लिथोलॉजी क्या है। अगर रॉक है तो आपके जहन में फौरन बात आ जानी चाहिए कि लिथोलॉजी रॉक है, अगर कोई साइल है तो साइल कहते हैं, अगर कोई डेब्रिस मटेरियल है तो आप क्या कहते हैं? डेब्रिस मटेरियल। तो ये आप देखेंगे, आप ये आपने कहा कि ये डेब्रिस है, फिर आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, आपने इनमें से एक टाइप पढ़ी फॉल, मुझे बताया कि ये फॉल है। फॉल क्या होता है? क्या विदाउट टचिंग एनी सेगमेंट? अच्छा आपने स्लाइड की भी दो टाइप्स पढ़ी हैं अभी, ठीक है, कौन कौन सी? ट्रांजिशनल और रोटेशनल। अगर इस स्लाइड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, कितने पार्ट्स हैं? दो में, दो पार्ट्स में। एक पार्ट कौन सा? कि ये जो आपको सामने फेस नज़र आ रहा है ट्रांजिशन, और एक उससे पीछे एक फेस है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसकी इंप्रेशन दो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगर आप इस सामने वाले पोर्शन को देखें तो आप ये देखें कि मटेरियल किसी एक प्लेन के साथ मूव करके नीचे आया है, क्या हुआ किसी प्लेन पे मूव करके नीचे आया है। और अगर उस प्लेन को आप देखें तो जो आपकी बिल्कुल जो फ्लेंस है ना, फ्लेंस का पता है क्या होती है? नहीं, आप अगर क्राउन के ऊपर खड़े होते हैं जो उसका टॉप मोस्ट पार्ट है, तो वहाँ पे अगर आप खड़े हो जाएं तो जो आपका राइट साइड है ना वो उसका राइट फ्लेंक है, और इस साइड पे जो है वो आपका लेफ्ट फ्लेंक है। तो आप इन दोनों फ्लेंक्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो मैरिनेज कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा आप देखें कि आपको एक स्लिप सरफेस नज़र आ रही है, और स्ट्राइएशन भी बल्कि आपको नज़र आ रही है अगर आप थोड़ा सा फोकस करें वो बार सामने। तो ये एक प्लेन है जिसके अलावा मटेरियल मूव करके नीचे आया। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये जो स्लाइड है ये क्या है? प्लेनर स्लाइड है। क्या है? प्लेनर स्लाइड। अब आप ये देखें कि ये जो मूवमेंट की टाइप है इसमें से कोई रोटेशन आपको नज़र आ रही है? रोटेशनल स्लाइड वो होती है जिसमें जैसा स्पून होती है ना, स्पून की तरह की मूवमेंट अगर आपको नज़र आ रही है तो उसको हम रोटेशनल स्लाइड कहते हैं। तो ये जो सामने वाला पोर्शन है, मैं बाकी पोर्शन की बात नहीं कर रहा, इस सामने वाले पोर्शन में आपको ये फीचर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये जो टाइप सामने वाली है ना, इसलिए अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये ट्रांसलेशनल है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन है वो कौन सा? ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको स्पून लाइट फील होती है। स्पून लाइट, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपका जब रोटेशनल स्लाइड होती है तो उसके अंदर अगर वेजिटेशन है, दरख्त हैं, तो पूरे के पूरे बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में वापस मूव करके नीचे आए हो, ठीक है, और आप अगर ऊपर देखें तो आपको ये कंडीशन फील भी हो, ठीक है। तो ये अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये वाला पार्ट इसका कौन सा है? ट्रांसलेशनल है, और इससे ऊपर क्या है? रोटेशनल है। अच्छा अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली इसके कॉजेटिव फैक्टर्स के ऊपर कि क्या पॉसिबल कॉजेटिव फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये स्लाइड होती है। एक तो आप लोग वेल अवेयर हैं, पहले दिन आपने एक एक्सरसाइज की थी, जेलम पार्ट आपने देखा था, कंटैक्ट भी आपने देखा था, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है बेसिकली यहाँ सेंटर से इससे रोड गुजर रही है, ठीक है, तो इधर से एग्जैक्ट जो है वो जेलम पार्ट गुजरता है। क्या गुजरता है? जेलम पार्ट गुजरता है। आप अगर देखें तो वो पार्ट सामने ऊपर आपको जो है वो हज़ारा फॉर्मेशन नज़र आ रही है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपको तो एक पॉसिबल काज इसकी क्या हो सकती है? एक पार्ट। फिर दूसरी जो पॉजिटिव फैक्टर जो आप इसको देखें, तो अगर आप देखें तो इस साइड पे आपको वो एक ड्रेनेज नज़र आ रहा है, और वो ड्रेनेज बिल्कुल यहाँ से फॉलो करता हुआ ये की तरफ, ठीक है, यहाँ से जो आपको फील हो रहा है बारिश होती है, क्योंकि अगर कोई ड्रेनेज के नाम पानी भी आता है और वो प्लेन है उनके साथ मिक्स होता है, ठीक है। और फिर
ऊपर जो है ना वो आबादी भी है, 20-25 घर थे, ठीक है। अब उनका जो सीवरेज का पानी है, जो बाकी ड्रेनेज है, वो भी सारा इसी मटीरियल के में आता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये जो साइल है बेसिकली, ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। और ये भी एक उसका पॉजिटिव फैक्टर है। फिर स्लोप अगर आप देखें तो आपको ये ठीक ठाक स्लोप नज़र आता है, ठीक है। स्लोप भी इसका एक पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा, मोर डिटेल में आपको इसको देखने के लिए कि इसकी टाइप कौन सी है, ठीक है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपको कुछ फर्दर डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, डिटेल स्टडी में एक पार्ट या दो पार्ट आज आप कवर करेंगे, जिसमें एक चीज़ है प्रोफाइल मैयर। क्या है प्रोफाइल मैयर, कि आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन। जब आपके पास क्रॉस सेक्शन बनेगा तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये स्लाइड की स्लिप सरफेस क्या है, और उस स्लिप सरफेस की बेस के ऊपर आप उसको क्लासीफाई कर देंगे कि ये कौन सी टाइप की स्लिप सरफेस, ठीक है। फिर कुछ मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरियाज हैं, उनकी बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आप नहीं देख सकते, सब सरफेस आप नहीं देख सकते, तो उसके लिए आप जियोफिजिकल मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, जियोफिजिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड आप कर सकते हैं, साइजमिक के कोई मेथड यूज कर सकते हैं। उससे आपको सब सरफेस कंडीशन का पता चलता है कि ये क्या है, ठीक है। तो उनसे भी आपको पता चल जाती है ये चीज़ें, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई एक स्पेसिफिक काज इसका नहीं, दो तीन काजेज हैं। और इसको मोर डिटेल में जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको जो है वो कुछ आइडिया होगा क्या। अच्छा, आपके जहन में क्या आता है कि क्या अभी आपने किसी ने पूछा भी था कि रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, क्या रेमेडियल मेजर्स आपके जहन में आते हैं कि इस लाइट को कैसे रोका जा सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता, ड्राफ्ट तो लगे हुए थे, सारे वापस आ गए। क्या ये नहीं रुक सकती अब का यार, कोशिश भी नहीं करनी ना चाहिए। देखें, एक तो वो मटेरियल है, एक तो साइंटिस्ट तो ना हो ना, इंजीनियर तो ना हो ना। अगर आप ये कह देंगे नहीं रुक दिए तो फिर आपको कौन कार लाइन करेंगे, फायदा क्या है इनको रखने का, जिनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक तो मटेरियल वो है जो मूव कर गया हुआ, ठीक है, और एक वो है जो अभी स्टील अपनी प्लेस में है, आपने उसको रोकना है, ऐसा ही है। तो अगर आप देखें वो टॉप वाला पोर्शन, वो जो बिल्कुल टॉप वाला, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं? आप ड्रेनेज को कंट्रोल कर ड्रेनेज को, क्यों, क्योंकि ये सारी क्लेज है, आप प्रॉपर जो है ना वो ड्रेनेज सिस्टम बना दें ताकि ये जो पानी है वो डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। जो आपका अभी देखें ना, जो आपके पास इधर थे बिल्डिंग्स थी, अब जारी बात है उनका पानी था, सेवरेज का, बाकी तमाम चीज़ें, अब वो रुक गए, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर था, आप उसको प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं। फिर क्या करते हैं, आप बेंचिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेंचिंग कर सकते हैं, स्टेप बना सकते हैं, जिससे आपका स्लोप क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, जिसको टेरेसिंग कहते हैं आप, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, तीसरा जो है वो आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन। तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं, जो रेमेडियल मेजर्स हैं, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वेरी करते हैं, ये हर एक स्लाइड के लिए सेम नहीं होंगे। डेब्रिस फ्लो के लिए आपको डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स करने पड़ते हैं। अगर कोई राख होती, लेट से फुल राख होती, तो हम ये रिकमेंड कर सकते हैं भाई कि आप यहाँ के राख बोल्टिंग करें, ठीक है, कोई वायर मैश यूज़ करें, कोई ग्राउटिंग करें, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते थे। जैसे आप आगे अगर आप देखें जो कुलियाँ के ऊपर जो रेमेडियल मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट, ठीक है, तो ये इस तरह के रेमेडियल मेजर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सर ये जगह ना रैकेट में जो आपने बात की है, सुविधा की बात, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होता है ना, हम कहते हैं कि अवॉइड किया जाए, ठीक है। देखो आप अवॉइड किस कंडीशन में होते हैं, हर जगह अवॉइडनेस नहीं हो सकती है ना। आगे पर हमें इसको दो डिफरेंट रीजन करते हैं, एक जो ऐसी लैंडस्लाइड है जो आपका लाइफ लाइन है, जिसका आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, आपने उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन, इंजीनियरिंग सोल्यूशन देने होते हैं ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या बच जाए, उससे जो है ना आप जो है सेटअप, या आपकी प्रॉपर्टी बहुत कॉस्टली है, लैंड आपके पास नहीं है, आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, तो आपने वहाँ पर भी क्या सोल्यूशन देना है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई ऐसी लैंडस्लाइड जो किसी फॉरेस्ट एरिया में है, या किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर कोई इस तरह की कोई जो है ना वो चीज़ें पॉसिबल नहीं, वहाँ अवॉइडनेस पॉसिबल है, लेकिन उसको भी विद लिमिटेड रेमेडियल मेयर के साथ आपको करना पड़ता है। जैसा प्लांटेशन की बात करते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पर प्लांटेशन कर दी जाए ताकि फ्यूचर में फर्दर वो एरिया जो है उसका लैंडस्केप ना हो। बाकी आपको इंजीनियरिंग सोल्यूशन
डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ द लैंडस्लाइड, कि आपकी टाइप ऑफ लैंडस्लाइड क्या है उसकी बेस पर देने आप ऑब्जर्व करते जाएंगे। और किया भी होगा कि इस क्वाला रोड के अनु हर जगह रिटेनिंग वॉल दे रही है, रिटेनिंग वॉल पे उन्होंने जो है ना इस रिटेनिंग वॉल पे लगाया है लैंडस्लाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपकी 3-4 साल हो गए हैं इस रोड को बने हुए, तो अभी ये हर जगह से क्लैप्स होना शुरू हो गई हैं और वो सारे का सारा पैसा जो है ज़ाया होता नज़र आ रहा है। उसकी क्या रीज़न है? उन्होंने कट काफ़ी पेस्ट किया कहीं से कि मरी एक्सप्रेस वे में, क्योंकि वहाँ स्लाइड की टाइप थोड़ा डिफरेंट थी, वहाँ ये उनका कामयाब तजर्बा था। उन्होंने कहा यहाँ भी ये कामयाब होगा। उन्होंने यहाँ की जियोलॉजी को, यहाँ की जो है ना एरिए को, लिथोलॉजी को स्टडी नहीं किया, यहाँ की टाइप्स को नहीं देखा। अब वार्ड मेम्बर जिसका धुलाई में अगर वहाँ पर आप बढ़ के आगे बंद बांधना शुरू करें तो कितना वो काम करेगा? आप करोड़ रुपये लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कुछ अर्से के लिए उसको स्टॉप करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आपका लॉस होगा। अब ज़ाहिर है मड फ्लो एक ऐसी चीज़ है या डेब्रिस फ्लो, इसको आपको प्रेस्टीज देना पड़ता है। ये आप नेचुरल चीज़ को बैरियर के तौर पर रोक नहीं सकते। आपको यहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर अगर बना देते हैं फ्लाई ओवर के तौर पर, एक अलग से रोड जो है ना वो बनती होगी तो प्रेस्टीज गिर जाता है। ये फॉर एवर आपका सोल्यूशन हो सकता है। या इसी तरह बाहर जगह पर टनलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होता है, कॉस्टली है लेकिन बहुत अहम है। बाहर जगह पर रॉक बोल्टिंग का सोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाहर जगह पर शेड है, जिसका पहला आप स्लाइड देखें या इधर देखें आप जो है ना सुबड़ी के पास, वहाँ पर भी शेड है, शेड भी, लेकिन ये डिपेंड है कि वहाँ किस किस्म की स्लाइड है उसके वाले। दूसरा एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था, आपने नहीं पूछा। मैंने जब कहा था कि कास्टिव फैक्टर की जब हम बात करते हैं, मैंने कहा था फॉल्ट के अलोंग ये स्लाइड हुई है, तो ये साथ ही जो है ना ये फॉल्ट के अलोंग है, तो आपको पूछना चाहिए यहाँ क्यों नहीं स्लाइड हुई, क्या वजह हो? स्लोप कम है, स्लोप सवाल था मेरा। आपका ये जवाब इसका ये पोटेंशियल है, अगर आज नहीं हुई है तो फ्यूचर में हो सकती है। क्यों? जो फैक्टर्स ने जिनने एरिया को वल्नरेबल करना था वो कर दिया हुआ है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अगर इस वक्त नहीं हुई है, शायद 6 माह बाद हो, शायद 7 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद, क्योंकि जब कैजुअल्टी फैक्टर आप देखते हैं ना, वो वल्नरेबल कर देते हैं किसी एरिया को, वहाँ पोटेंशियल लैंडस्लाइड होती है। वो पोटेंशियल लैंडस्लाइड के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर जो है ना उसका देखना पड़ता है कि वो कब होगा उसके बेस पे बोलना है। तो ये सारी जनरल चीज़ें आपको सब थ्योरेटिकली जो है ना वो मेकअप, आपका माइंड मेकअप करने के लिए हमने बताई हैं। बाकी साथ साथ में जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आया